मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले की अब बात करना जरूरी है, क्योंकि 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती है और उससे पहले भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला किया है। ये कॉरिडोर कल से ही खुल जाएगा, जिसके बाद गुरु पर्व के मौके पर हजारों सिख श्रद्धालु करतारपुर जाकर दर्शन कर पाएंगे। लंबे समय से पंजाब के नेता लगातार ये मांग कर रहे थे। ये कॉरिडोर करीब 20 महीनों के बाद खुल रहा है, कोरोना की वजह से ही ये कॉरिडोर बंद किया गया था। हालांकि अभी भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके लिए कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस लगवाने के अलावा 72 घंटे से कम समय की RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी आपको देनी होगी। कल यानी 17 नवंबर से करतारपुर कॉरिडोर खुल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, लिखा, एक बड़े फैसले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को कल 17 नवंबर से फिर से खोलने का फैसला किया है, जिससे बहुत से सिख श्रद्धालुओं को फायदा होगा। पिछले समय की अगर बात की जाए तो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उनके तमाम नेताओं की लगातार केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे थे कि करतारपुर कॉरिडोर को खोला जाए। ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला भी भारत सरकार द्वारा ले लिया गया है। हालांकि इसके जो ऑर्डर जारी होंगे उसमें किस तरह के जो प्रोटोकॉल होंगे उसकी भी जानकारी शीघ्र ही मिल जाएगी। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने सरकार से इस कॉरिडोर को खोलने की अपील की थी और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। अब कॉरिडोर खोलने के ऐलान पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पूरी कैबिनेट के साथ करतारपुर जाने का ऐलान किया है, तो सिद्धू भी इसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही मुबारक मौका है कि कॉरिडोर दोबारा खुल रहा। पहला जत्था ऐसी पूरी कैबिनेट अपने नाल बाकी संगतां नूं नाल लेके जाएगी। सिद्धू साहब एक बिल्कुल हम्बल सिख, निमाने सिख की तरह अप्लाई करेगा। अगर नंबर लगा तो फिर बहुत ज्यादा खुशी होगी, नहीं लगा तो इंतजार करके जाएगा जरूर भाई। और वैसे असीं मते भी पाए हैं, एग्जीक्यूटिव दे विच मता पाया, असीं मीडिया राही भी बार बार बेनतियां कीतियां, असीं गुरु साहब दे चरणां च संगत दे सामने अरदासां भी कीतियां। कल भी जदों असीं भरी स्टेज दे उत्ते भी अरदास कराई, राती भी असीं बाबा दीप सिंह शहीद दे जदों गए उत्थे भी अरदास कीती। सो असीं ते गुरु दे विश्वास करदे, सारिआं ने किसी ने भी किया होवे सभनां दा धन्नवाद। बीजेपी को ये मौका मिल गया है कि वो इस फैसले का राजनीतिक लाभ ले। बीजेपी इसे सरकार की संवेदनशीलता बता रही है। बिल्कुल स्वागत करते हैं, इसके लिए हम लोग मिलते भी रहे और पंजाब बीजेपी का डेलीगेशन 3 दिन लगातार मिलता रहा। मान जो महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिले, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले और सभी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उसको खोल भी दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश जो हैं एक जाति धर्म या वर्ग के लिए नहीं पूरी मानवता के लिए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खबर भी और बड़ी खुशी की बात भी है, क्योंकि लगभग 2.25 साल बाद ये संभव होने जा रहा है। ये हम सिखों के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक संदेश भी देता है कि सरकार और देश के लोग कितने चिंतित हैं जब हमारे धार्मिक स्थान और धर्म की बात आती है। भारत पाकिस्तान के ऐसे संबंधों में जब धर्म का सवाल होता है तो उसमें सियासत जरूर होती है। अगले साल पंजाब में चुनाव भी होने हैं, राजनीतिक दल इसका सियासी फायदा भी चाहते होंगे, लेकिन किसानों ने यह साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार किसी गलत फहमी में न रहे। आज मोदी साहब उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि जो कॉरिडोर खोला गया हम खोल देंगे, तो जो किसान ये सरदार लोग हैं ये हमारे साथ लग जाएंगे, पंजाब हमारे साथ लग जाएगा, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कॉरिडोर हमने खिलाया था और हम ही खिलाए। ABP News आपको रखे आगे।